बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचने के दो उपाय बताएं। कितने उपाय? दो उपाय बताना है जिससे लोहा को जंग को खत्म कर सके, बचा जा सके। देखो बच्चा इसका आंसर हम लोग समझते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? लोहा एक आयरन है ना, आयरन लोहा है, लोहा का एक छड़ है। अब देखो बच्चा गौर करो, गौर फरमाइए इस पर। देखो यहाँ पर देखो क्या लगा है, जंग। क्या लगा है? जंग। इसी जंग को हटाने का, इसी जंग को हटाने के लिए दो उपाय लिखना है। दो उपाय कौन कौन है जिससे ये बेचारा जंग जो है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, समझे? तो इसको दो उपाय है बच्चा। क्या उपाय है? दो। पहला उपाय कि इस पर पेंट कर दो। क्या कर दो? पेंट। अगर पेंटिंग कर दोगे इस पर, इसको पहले पेंटिंग कर दोगे, ढंग से झाड़ झूड़ के अच्छे से पेंट कर दोगे, तो होगा कि इसका जंग क्या होगा? खत्म। पहला उपाय क्या है? पेंट। क्या कर देना इसका? पेंट कर देना, पहले साफ कर देना है, फिर इसको क्या करना है? पेंट कर देना है, तो होगा इसका जंग क्या? खत्म। दूसरा उपाय बच्चा, यशद लेपन। यशद लेपन या जस्तीकरण, जस्तीकरण। देखिए आप बच्चा, अब देखिए आप यशद लेपन क्या है। यशद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जिंक का परत इस पर चढ़ाया जाता है। जिंक या जस्ता। सीधा समझिए, पहला उपाय क्या था? पेंटिंग। पहला उपाय क्या था? पेंटिंग था। दूसरा उपाय है बच्चा कि आप इस पर जिंक का परत चढ़ा दो। किसका परत? जिंक या जस्ता। जिंक या जस्ता, मैं यहां लिख दूं, बोलो जिंक, ZINC जिंक इसे बोलते हैं इंग्लिश में जिंक, ठीक है? या जस्ता, जिंक या जस्ता का परत अगर इस पर चढ़ा दोगे ना, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बस दो उपाय बोला है, दो उपाय बता दिए। पहला क्या करेंगे? पेंटिंग। दूसरा किसका? जिंक परत। किसका परत? जिंक का परत इस पर आपको घस देना, अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों यही था हमारा इसका आंसर, सटीक आंसर बताया हूं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर बताएं, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्रॉपर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले गुड बाय।